वो शक्ति के साधक हैं। वो शिव के उपासक हैं। बयालीस साल से अनवरत जारी है उनकी दुर्गा साधना। देश से लेकर विदेशों तक पीएम मोदी शक्ति तीर्थों पर शीश नवाते हैं। भक्ति से मिलती है मोदी को असीम शक्ति। मोदी की शक्ति से डरता है पाकिस्तान। मोदी के तेज से कांपता है दुश्मन देश। मोदी के आगे बेबस हो जाते हैं इमरान खान। सुपर पावर भी मानता है मोदी का लोहा। कोई ऐसी नवरात्रि नहीं गुजरी जब पीएम मोदी ने आदि शक्ति की आराधना न की हो। ईश्वर की भक्ति और आराधना से मिलती है पीएम मोदी को आत्मिक शक्ति। उपवास के तप ने मोदी के विचारों और संकल्पों को व्रज के समान बनाया। माता की भक्ति में 9 दिनों तक अन्न का एक दाना तक नहीं खाते पीएम मोदी। दिन में 18 घंटे काम करने वाले मोदी, दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने बदली देश की छवि, जिन्होंने आम जनमानस को दी एक नई ऊर्जा, जिनके आह्वान पर देश की जनता एक सुर में साथ खड़ी होती है, ऐसी ऊर्जावान छवि वाले व्यक्तित्व को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पीएम मोदी को ये ताकत, ये विश्वास, ये मजबूती कहां से मिलती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं पड़ने देती। 9 दिनों के कठिन उपवास के दौरान भी प्रधानमंत्री कैसे बिना रुके, बिना थके कर्तव्य पथ पर बढ़ जाते हैं। कैसे मोदी के आगे घुटने टेक देता है पाकिस्तान। कैसे मोदी के आगे थर थर कांपता है दुश्मन देश। कैसे मोदी के नाम से इमरान के छूट जाते हैं पसीने। आज हम आपको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री की भक्ति किस तरह उनके अंदर शक्ति का संचार करती है, किस तरह पीएम मोदी शिव और शक्ति की साधना के जरिए संकल्प पथ पर बढ़ते रहते हैं। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नवरात्र के दौरान भक्ति साधना में लीन रहते हैं, पीएम मोदी नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और इस दौरान वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही फलहार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती और मोदी लगातार काम करते रहते हैं। मोदी की शक्ति ऐसी है जो दुश्मन देश भी मोदी के नाम से खौफ खाता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के तो मोदी के नाम से ही पसीने छूट जाते हैं। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कि कैसे पीएम मोदी मां दुर्गा की साधना में लीन हैं और कैसे मोदी नवरात्र में कर रहे हैं शक्ति पूजा। मोदी की शक्ति से पाकिस्तान में खौफ। मोदी की ताकत से इमरान परेशान। भक्ति देती है मोदी को अद्भुत शक्ति। भक्त मोदी पर मां बरसाती है असीमित कृपा। देश के पीएम नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हर तरफ मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। मोदी की इमेज के आगे इमरान बौने साबित हो गए हैं और अब उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा। वहीं मोदी का कद दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में शुमार हैं और हर कोई उनसे मिलने के लिए बेताब रहता है। हाल ही में ह्यूस्टन में जब मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया था,
तो उनका दीदार करने के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे और उन्होंने भी मोदी की शान में कसीदे पढ़े थे। लेकिन अब मोदी भारत में हैं और वो माँ दुर्गा की आराधना में लीन हैं। देवी आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू होते ही शुरू हो जाता है पीएम मोदी का 9 दिनों का कठिन उपवास। पीएम मोदी पिछले 42 सालों से साल में आने वाले दोनों नवरात्रों चैत्र और शारदीय नवरात्र पर व्रत रखते आ रहे हैं। पीएम मोदी सिर्फ प्रतिपदा और नवमी को ही उपवास नहीं रखते बल्कि पूरे 9 दिनों तक वो उपवास पर रहते हैं और सख्ती से नियमों का पालन भी करते हैं। आदि शक्ति की उपासना में पीएम मोदी की उपवास साधना की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। करीब 2 साल पहले की ये तस्वीर है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। वहां के पुजारी ने पूजन के बाद पीएम मोदी को प्रसाद के तौर पर कुछ खाने को दिया, लेकिन पीएम मोदी उपवास पर थे। उन्होंने पुजारी के दिए प्रसाद को अपने साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी को सौंप दिया। पीएम नरेंद्र मोदी साल के दोनों नवरात्र में व्रत रखते हैं और इस दौरान वो बेहद संयमित जीवन शैली अपनाते हैं। खास तौर पर पीएम तड़के 5 बजे उठते हैं, लेकिन नवरात्रि में वो 4 बजे ही उठ जाते हैं। स्नान ध्यान के बाद पीएम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी नवरात्रि में खान पान को लेकर बनाए अपने नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं और सिर्फ गुनगुना पानी ही पीते हैं। वे व्रत के अन्य सामग्रियों का सेवन नहीं करते, लेकिन दिन में एक बार फलाहार करते हैं और यही तब उनके कर्तव्य को अथाशक्ति प्रदान करता है। मेरे मन पर वो बुरा था और ये अच्छा है कोई भाव नहीं है। उस समय भी मैं निर्लेप था, आज भी निर्लेप हूँ, तो मेरी मन की अवस्था अलग है। मैं जनता के बीच गए बिना रह ही नहीं सकता। मन से मैं अभी तक पीएम बना ही नहीं हूँ और भगवान करे मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। जिम्मेवारी के नाते जब साइन करता हूँ फाइल में तब पीएम होता हूँ, क्योंकि वो दायित्व है। बाकी मैं कॉमन मैन होता हूँ, उसी मूड में रहता हूँ। पीएम मोदी की भक्ति की शक्ति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी नवरात्रों में भी अपनी दिनचर्या नहीं बदलते। पूरी निष्ठा के साथ मोदी माता की आराधना करते हैं, उतनी ही निष्ठा के साथ मोदी देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। नवरात्रि में पीएम मोदी के खान पान के सख्त अनुशासन के बारे में तब भी पता चला था जब 29 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनके सम्मान में व्हाइट हाउस में भोज रखा था, लेकिन पीएम मोदी ने तमाम व्यंजन छोड़कर सिर्फ नींबू पानी पिया। 9 दिनों तक उपवास के बाद भी पीएम मोदी की एनर्जी में कोई कमी नहीं थी और ये देखकर ओबामा भी काफी हैरान हुए थे। प्रचंड जनादेश के साथ देश की सत्ता के शिखर पुरुष बनने वाले नरेंद्र मोदी ने इस बार भी नवरात्रों का कठिन व्रत रखा और हर बार की तरह ऊर्जावान मोदी अपने काम में जुटे हुए हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर अहमदाबाद गए पीएम नरेंद्र मोदी ने देवी अंबा की आरती की और गरबा के समारोह में शामिल हुए। गरबा की धुन पर नाचती मोदी की ये उंगलियां उनकी ऊर्जा और एकाग्रता की गवाही दे रही हैं। और ये इस बात का सबूत है कि अगर सच्ची आस्था हो तो सब कुछ मुमकिन है। टीम न्यूज नेशन। पीएम मोदी माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव के भी बड़े भक्त हैं। मोदी अपने हर बड़े काम की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ ही करते हैं। वहीं वो व्यस्त के कार्यक्रम के दौरान भी भगवान शिव की साधना करने के लिए मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी उस गुजरात से वास्ता रखते हैं जहां सोमनाथ है, उस वाराणसी से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा जहां बाबा विश्वनाथ का धाम है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उस काठमांडू में पड़ोसी देश नेपाल से एक नया रिश्ता सुधारने पहुंचे जहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव का हर धाम पीएम मोदी को अपनी तरफ खींच ही लेता है। मोदी जब दूसरी बार देश के पीएम बने तो उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से कुछ दिनों पहले पीएम मोदी शिव की शरण में केदारनाथ पहुंचे थे। मोदी मंदिर परिसर में पहुंचने पर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था, जिसके बाद वो भगवान शिव की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक के लिए मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुए थे। करीब आधे घंटे चली इस पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की थी।
और हाथ हिलाकर श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ की गुफा में साधना भी की थी। यहां उन्होंने करीब 17 घंटे बिताए थे और गुफा में ध्यान भी लगाया था। ये गुफा केदारनाथ धाम पहाड़ियों से करीब 1 किलोमीटर ऊपर है, जबकि मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर दूर बनी ध्यान गुफा की ऊंचाई करीब 12,250 फीट है। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। 2017 में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर पीएम मोदी ने कोयंबटूर में बनी महाशिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। आदि योगी शिव के रूप में बनाई गई इस मूर्ति को मोदी ने नमन किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में भी पूजा की थी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि देवी पार्वती ने यहाँ पर लिट्टी और वसा नाम के दो दानवों का वध किया था। इसके अलावा पीएम मोदी उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। मोदी भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। और वो शिव के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने में सबसे आगे रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की भी मोदी पर असीम कृपा है, इसलिए मोदी भगवान शिव से मिले आशीर्वाद के दम पर भारत को महाशक्ति बनाने में जुटे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बात कर रहे हैं पीएम मोदी की भक्ति की। शिव भक्ति में पीएम मोदी की गहरी आस्था है। पीएम मोदी केदारनाथ से पशुपतिनाथ तक मत्था टेक चुके हैं। पीएम मोदी की भगवान शिव में गहरी आस्था है और वो खुद को शिव भक्त ही मानते हैं। शिव शक्ति में मोदी की आस्था। जय जय बाबा भोले। बाबा भोलेनाथ के दरबार में पीएम मोदी। भक्ति की शक्ति में भरोसा पीएम मोदी को। ये बाबा का दरबार है, यहाँ भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। बाबा के दरबार में मोदी मत्था टेक कर मांगते हैं देश की प्रगति का आशीर्वाद। केदारनाथ धाम, पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ या फिर लिंगराज मंदिर, पीएम मोदी बाबा के दरबार में कई बार हाजिरी लगा चुके हैं। सबसे पहले केदारनाथ में पीएम मोदी की पूजा अर्चना की बात करते हैं। ये चार तस्वीरें केदारनाथ में पीएम मोदी की आस्था की तस्दीक करती हैं। 2017, 2018 और 2019 की ये तस्वीरें हैं। इस साल केदारनाथ धाम की पीएम मोदी की यात्रा ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 18 और 19 मई को पीएम मोदी केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। बाबा की भक्ति में डूबा रोम रोम और हर हर महादेव का जय घोष। इस साल बाबा के दरबार में पीएम मोदी की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी वो अद्भुत थी। मैं कुछ नहीं मांगता। बाबा के दरबार में पूजा अर्चना करते मोदी, इसके साथ ही गुफा में ध्यान लगाते पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर। 18 मई को पीएम मोदी ने गुफा में ध्यान लगाया था। गुफा तक पहुंचने के लिए पीएम मोदी ने 2 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। रुद्र गुफा में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया था। ये बाबा विश्वनाथ की धरती काशी है, यहाँ कण कण में बाबा का निवास है। काशी के बाबा विश्वनाथ में पीएम नरेंद्र मोदी की अटूट आस्था है। पीएम बनने से पहले, पीएम बनने के बाद कई बार नरेंद्र मोदी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। इसी साल मार्च में पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की थी। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी पीएम मोदी पूजा अर्चना कर चुके हैं। जब पहली बार मोदी पीएम बनने के बाद नेपाल की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने पशुपतिनाथ में मत्था टेका था। पशुपतिनाथ में मोदी 45 मिनट तक रहे थे। यह है मोक्ष का धाम बद्रीनाथ, वो धाम जहां मंदाकिनी नदी की अविरल धारा बहती है। इस साल पीएम मोदी ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की थी। हेलीकॉप्टर से मोदी बद्रीनाथ पहुंचे थे। यहां मोदी के स्वागत में खड़े लोगों का जोश देखने लायक था। पीएम मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी पीएम मोदी की शिव भक्ति की झलक दिखाई दी थी। पीएम मोदी ने लिंगराज मंदिर का दौरा किया था और यहां पूजा अर्चना की थी। टीम न्यूज़ नेशन।